नमस्कार साथियों, वेट लॉस से संबंधित दो महत्वपूर्ण आंकड़े आप लोगों को बताता हूं मैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि जब हम आंकड़े जानते रहते हैं तो वेट लॉस करना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और जिनका वजन कम हो जाता है उसको मेंटेन करना भी आसान होता है, या आप अपने तरीके से उसको प्लान कर सकते हो। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जितने लोग वजन कम करने का ट्राई करते हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों का वजन कम होता है। इसका जवाब है, अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है 2023 में, उसमें ऐसा रिजल्ट आया है कि लगभग 23% लोग अपना वजन कम कर पाते। तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बाकी लोग ना तो खाने को सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, ना उसकी कैलोरी का कंट्रोल कर पाते हैं, ना उसका पोर्शन कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए उनका वजन कम नहीं होता। और दूसरा कि एक्सरसाइज को भी रेगुलर नहीं रख पाते। तो ये दो वजह है, ना तो खाने पे कोई कंट्रोल है, ना सही से रेगुलर एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत सारे लोग या आधे से ज्यादा लोगों का वजन कम नहीं हो पाता। तो वजन आपको कम करना है तो सबसे पहले खाने का चुनाव सही करो, हेल्दी ईटिंग चालू करो। हेल्दी ईटिंग भी हो गई है तो उसमें खाने का पोर्शन जरूरी है कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब सही मात्रा में होने चाहिए और कैलोरी भी ज्यादा ना हो। तो पहला एक तो आंकड़ा ये है। और भी जो अलग अलग स्टडीज हुई है, आंकड़े आए, उसमें भी यही बात आई है कि कहीं 20% हो रहा है, कहीं 25% लोगों को हो रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि ना तो खाने पे, ना तो एक्सरसाइज पे सही तरीके से लोग ध्यान देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा है और ये बहुत ही जरूरी है लोगों को जानना, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोबारा से वेट रीगेन कर लेते हैं एक बार वजन कम करने के बाद। मतलब किसी ने वेट लॉस कर लिया, अब वो कितने दिनों बाद उसका वेट दोबारा से उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा? तो इसका आंसर है 90%। मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत ही समझने वाली बात है, लोगों को जानने वाली बात है। एक बार वजन अगर कोई कम कर लेता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, मुश्किल होती है, उसके बाद वो जैसे ही अपने पुरानी दिनचर्या पे आते हैं, मतलब सब कुछ खाने लगते हैं या एक्सरसाइज वगैरह उस तरीके से नहीं करते, तो 90% लोगों का वजन 2 से 3 साल के अंदर उसी लेवल पे पहुंच जाता है। और आधों से ज्यादा लोगों का वजन तो 1 साल के अंदर ही पुराने लेवल पे पहुंच जाता है। बताने का मकसद इस आंकड़े का ये है कि अगर आप अपना वजन कम कर पाए हैं किसी तरीके से, तो खाने पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। एक्सरसाइज हो सकता है एक आध हफ्ते आप ना कर पाए, चलेगा, लेकिन कभी भी अनकंट्रोल तरीके से अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, नहीं तो दोबारा से वेट गेन होगा। ये बताने का मेन मकसद है, ये जो दो आंकड़े मैंने बताए हैं वेट लॉस से संबंधित, कि जितने लोग कोशिश करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। उसके पीछे की वजह ये है कि खाने का सही चुनाव नहीं रहता उनका, और एक्सरसाइज भी नहीं करते उस हिसाब से कि वजन कम हो, कैलोरी डिफिसिट में जाएं। और जो लोग कर लेते हैं वो अगर खाने को मेंटेन नहीं करेंगे, पोर्शन को मेंटेन नहीं करेंगे, अलग अलग तरह के खाने, मतलब जो कैलोरी का पोर्शन है, मिनरल्स, विटामिन्स और जो प्रोटीन है, तो उनका वजन दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो सक्सेसफुली अपना वजन कम कर पाए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले आप किस खाने में कितनी कैलोरी होती है इसको समझें, इसको याद कर लें, और किस खाने में लगभग कितना प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब मिल जाता है। ये जब आप कर पाएंगे तो फिर आपका जो वजन दोबारा से बढ़ता है उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो लोगों को समझना है, और वेट लॉस होने के बाद उसके मेंटेनेंस में ये दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। थैंक यू।